हेलो, नमस्कार दोस्तों। 10 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज आई है वो यहाँ पे आई है विजिटर्स अवार्ड 2019 को लेके। तो हम देखते हैं कंटेक्स्ट न्यूज के हैं। न्यूज ये आई है कि विजिटर्स अवार्ड 2019 हैं जो कि रिसर्च एरिया के लिए दिए जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के द्वारा अनाउंस है वो किए गए हैं। अब देखो, ये अवार्ड किस किस को दिए गए हैं, ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, क्योंकि ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन हो गए और इस टाइप के यूपीएससी नहीं, बेसिकली एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वो आती हैं। ये जो विजिटर्स अवार्ड है ये क्या होता है, हमारे देश के चार इम्पोर्टेंट एरियाज आप बोल सकते हो, जैसे रिसर्च के एरिया में एक तो हो गया यहाँ पे ह्यूमैनिटी, आर्ट एंड सोशल साइंस, इसी के साथ ही सेकेंड हो गया फिजिकल साइंस, थर्ड हो गया बायोलॉजिकल साइंस और चौथा हो गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इन एरिया में हर एक के कोई अवार्ड है वो मेनली दिया जाता है। तो इस बार के अवार्ड्स को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लिस्ट है वो जारी की गई है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के द्वारा। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि विजिटर्स अवार्ड हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। देखो, विजिटर्स अवार्ड हैं, इनका जो सिलसिला था वो 2014 में स्टार्ट किया गया था। प्रेसिडेंट है वो खुद, इनका अनाउंस है वो बेसिकली करते हैं और वो खुद प्राइज को आप बोल सकते हो गिफ्ट को, अवार्ड को है वो देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस अवार्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक हेल्दी कंपटीशन है हमारे देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में, उसको प्रमोट किया जा सके। क्योंकि देखो, इन अलग अलग एरिया में जो भी अच्छा काम करता है उसको इस अवार्ड से नवाजा है वो जाता है। तो एक तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है जो यहाँ पे रिसर्चर्स हो गए वो, इसी के साथ ही उनको बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उनको अडोप्ट करने पर फोकस किया जाता है और उनको प्योरिस्ट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ अग्रसर है वो किया जाता है। तो ये था हमारा विजिटर्स अवार्ड 2019। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है H5N1 वायरस को लेके। देखो, वायरस को बता दूं, हिंदी में विषाणु के नाम से जानते हैं, जीवाणु होता है उसको बैक्टीरिया कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, जीवाणु या बैक्टीरिया वो अलग चीज होती है। अब हम देखते हैं पहले कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट अभी आया है कि इंडियन गवर्नमेंट है उसने WHO की हेल्प से खुद को बर्ड फ्लू आप बोल सकते हो, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि H5N1 वायरस फ्री डिक्लेयर है वो कर दिया है। देखो, ऐसा इंडिया ने 2017 में भी किया था, बट 2017 के बाद कुछ टाइम बाद इंडिया में वापस से H5N1 वायरस, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं या फिर बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, उसकी महामारी या उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए फिर इंडिया इस लिस्ट से हट गया था और अब वापस इसमें शामिल हो गया है। तो बेसिकली ये हमारे देश में जो पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्रीज है इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ताकि इसका एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। है क्या, थोड़ा हम वो चलते हैं बैकग्राउंड के साथ। देखो, ये H5N1 जो वायरस है ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे देश की जो एक्सपोर्ट है मीट प्रोडक्शन, इवन जो चिकन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसके लिए काफ़ी अहम होता है। मतलब जो पोल्ट्री फॉर्म से जो एवियन, एवियन का मतलब होता है पक्षी, कि और भी जो पक्षी हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है मीट वगैरह के लिए, उनके लिए अहम वो होता है। तो हम इसकी बात करें H5N1 वायरस की, देखो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये अलग अलग होते हैं, बेसिकली इसके अलग टाइप हैं, जैसे ए टाइप हो गया, बी सी डी। बट जो इन्फ्लुएंजा ए, या फिर हम जिसे इन्फ्लुएंजा ए को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि H5N1 वायरस, या जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं या बर्ड फ्लू कहते हैं, ये मेनली पक्षियों में ही होता है, मतलब पक्षियों को ज़्यादा प्रभावित है वो करता है, इसलिए इसको एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू क्यों, बर्ड्स को प्रभावित कर रहा है इसीलिए। बट ये ध्यान रखना, अगर ये बर्ड्स में फैलता है तो इसकी वजह से फिर अगर उस बर्ड को अगर इंसान कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट है वो आ जाता है। तो इसीलिए जो मीट एक्सपोर्ट है या आप बोल सकते हो मीट कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में चिकन की मौत है वो हो भी जाती है। सबसे खतरनाक जो वायरस है इसमें से, इसके अलग अलग कैटेगरी होती हैं ए बी सी डी, तो जो ए वाला है वो सबसे खतरनाक होता है, बी वाला थोड़ा उससे कम, सी वाला उससे कम और डी वाले का खतरा और भी कम होता है। जैसे कि जो US बेस्ड एक संस्था है जिसका नाम है डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उस सेंटर के द्वारा ये बताया गया कि इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा जो बी टाइप के वायरस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा ए होता है आपको बता दूँ, उसके बाद बी है, मतलब ए और बी दोनों ही खतरनाक हो गए एक तरीके से आप बोल सकते हो, और सी है वो उनसे कम होता है और डी और भी कम होता है, ये इनकी सीरीज होती है। अब ये आपको बेसिक फैक्ट हमने यहाँ पे देख लिए। अब आपके दिमाग में होगा कि भैया इनका नाम ये H5N1 ऐसे अलग अलग नाम है वो क्या होता है। कई बार आपने स्वाइन फ्लू में भी सुना होगा कि स्वाइन फ्लू है वो H1N1 होता है, ये क्या है,
तो ये भी हम आगे देखते हैं अभी क्या करके। तो को थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो वायरस होता है ना, जिसे हम विषाणु कहते हैं, ये इसमें बेसिकली प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन का टाइप होता है एच और एक होता है एन प्रोटीन। अब ये एच प्रोटीन और एन प्रोटीन है, ये कौन से, इनके भी अंदर क्लासिफिकेशन होता है कि H1 है, N2 है, ऐसे अलग अलग। अगर कोई वायरस ऐसा है जिसमें H1 प्रोटीन है और N1 प्रोटीन है, तो उसको दे दिया जाएगा H1N1 वायरस। जैसे कोई वायरस ऐसा है जिसमें H2 प्रोटीन पाया जाता है और N1 प्रोटीन है, तो उसको H2N1 के नाम से, इस तरीके से इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो होता रहता है। अब इनमें कौन सा तो पक्षियों में फैलता है, कौन सा जानवरों में, एक तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो, एवियन इन्फ्लुएंजा का मतलब तो ये होता है जो मेनली पक्षियों में फैलते हैं, और स्वाइन फ्लू वाले वो होते हैं जो जानवरों में मेनली ज्यादातर फैलते हैं। स्वाइन फ्लू का आपने नाम सुना होगा, जिसमें H1 जो N1 है टाइप है, वो स्वाइन फ्लू का टाइप है, मतलब ये जानवरों में मेनली ज्यादा फैलता है, सुअर वगैरह में। एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो H5N1 है, वो एवियन इन्फ्लुएंजा है। H7N9 है। H7N9 का क्या मतलब हुआ? H7N9 का मतलब ये हुआ कि वायरस उसमें H7 प्रोटीन पाया जा रहा है और N9 प्रोटीन पाया जा रहा है, इसलिए उसका नाम हो गया H7N9 वायरस। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो, जो मेनली न्यूज में रहते हैं ना, वो दो ही रहते हैं, एक तो ये होता है H5N1 और एक होता है H1N1। ध्यान क्या रखना है, दोनों ही ए टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहली चीज ये है कि H5N1 वायरस भी ए फैमिली से बिलोंग करता है, H1N1 भी ए से ही करता है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्टली जो वायरस इन्फ्लुएंजा वाले वायरस है, वो ए टाइप के खतरनाक होते हैं, बी थोड़ा कम होता है, सी और भी कम और डी और भी कम, ये इनकी सिक्वेंस होती है। तो ए वाले ही ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट है वो ज़्यादा करते हैं। अब जो H5N1 है, उसको एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, जबकि H1N1 है उसको स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। ये हमने बेसिक फैक्ट यहाँ पे मोटे मोटा जो लॉजिक था वो समझ लिया है। अब बात ऐसी है कि हमारे देश में हर साल देखें तो इन्फ्लुएंजा से काफी लोगों की डेथ हो जाती है, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो एवियन इन्फ्लुएंजा, कोई सा भी हो, मतलब हर बार देखें तो लगभग 6.5 लाख लोगों की डेथ है वो हो जाती है। और ये वायरस मेनली शिकार बनाते हैं कमजोर बॉडी के जो बच्चे होते हैं वो, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो गई वो, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, वल्नरेबल है, उनको ये मेनली शिकार है वो बनाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, बात यह है कि वायरस तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे डिवाइडेशन होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कई बार आपने नाम सुना होगा कि ये बीमारी है, ये इंडेमिक है। कई बार आपने सुना होगा कि एपिडेमिक है। कई बार आपने सुना होगा पेंडेमिक है। कई बार आपने वर्ड सुना होगा आउटब्रेक है। आउटब्रेक को हिंदी में कहते हैं वैसे प्रकोप। हम सीधी सी बात देखते हैं, इंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो बीमारी वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि भाई नीलगिरी तहर है, वो इंडिया के, बात करें तो इंडियन के साउथर्न रीजन में ही, इस वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है, मतलब वहाँ की इंडेमिक स्पीसीज है। तो इस तरीके की इंडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर एक ज्योग्राफी से वो बिलोंग है, वो करती है, केवल वो उसी एरिया में वो बीमारी हो रही है, उसको कहते हैं इंडेमिक। एपिडमिक का मतलब ये होता है महामारी। एपिडमिक को हिंदी में महामारी कहते हैं। वैसे देखो, एपिडमिक का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बीमारी जो एक ही देश में काफी एरिया में लगातार फैलती जा रही है, मतलब महामारी का प्रकोप या महामारी का एरिया कवर कर रही है। महामारी किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा ही एरिया पे या बहुत लार्ज स्केल पे कोई बीमारी फैल जाती है। जैसे कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा कि प्लेग है, वो एक महामारी फैल गई थी, तो वो क्या होगी? वो एपिडमिक होगी। और पेंडेमिक का मतलब होता है एक तरीके से कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी स्प्रेड होने लगी है, या आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पेंडेमिक में क्या होता है? देश के लिए समस्या होती है, जबकि पेंडेमिक में क्या हो जाता है? पेंडेमिक में हो जाता है कि भाई साहब, वो बीमारी पहले तो एपिडेमिक ही थी, बट एपिडेमिक से होते हुए वो दूसरी कंट्री में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलती जा रही है। जिस तरीके से अभी एक इंपॉर्टेंट बीमारी थी, आप बताइए कौन सी थी? वो रवांडा में उस वाली एरिया में मेनली पाई जाती थी। तो वो बीमारी क्या है? महामारी हो गई थी, उसको WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी सारी कंट्रीज में देखी गई थी। और आउटब्रेक का मतलब ये होता है, जैसे देखो कई बार गवर्नमेंट पहले उम्मीद करके बताती है ना कि इस साल उम्मीद की जाती है कि लगभग जैसे कि डेंगू के केस हैं वो 2000 के आसपास देखे जाएंगे, बट वहीं पे आंकड़ा आता है तो पता चलता है कि भाई डेंगू केस तो 8-10 हज़ार हो गए। मतलब जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज़्यादा अगर वो बीमारी फैल गई है, तो उसको कहा जाता है कि आउटब्रेक हो गया है, या फिर उसका बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। तो ये 3-4 वर्ड आते हैं, इनका आपको मतलब है वो पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके। क्या है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, किससे रिलेटेड है? देखो, इसके बारे में हमने पहले भी एक बार कंटेक्ट डिस्कस किया था, और अभी न्यूज आई है वापस तो देख लेते हैं।
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अभी इंडिया के जो लैंड डिग्रेडेशन के टारगेट थे उनको बढ़ाने की बात की है। पहले देखो, इंडिया ने टारगेट ये रखा था कि भाई इंडिया में जो लगभग 21 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, जो कि मेनली महाराष्ट्र में है, उस लैंड को 2030 तक मतलब क्लियर किया जाएगा। वहां पे उस लैंड डिग्रेडेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि वो लैंड डिग्रेडेशन ना हो सके। पर अब गवर्नमेंट ने टारगेट ये रखा है कि भाई हम 2030 तक जो 21 मिलियन की बात की गई थी ना, उसको बढ़ा के हम 26 मिलियन तक रख रहे हैं। यानी कि 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो कि बंजर पड़ी है उसको ठीक है वो करने वाले हैं। ये अनाउंस कब किया गया अनाउंसमेंट? देखो, अभी आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 14th जो सेशन था वो इंडिया में आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में, जो कि भी करंटली चल रहा है, जिसमें आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन UNCCD की अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में वो चल रही है। उसमें ये मोदी जी ने डिसीजन लिया कि हम भाई 26 हेक्टेयर जमीन को, मिलियन हेक्टेयर जमीन को क्लीन है, साफ है वो करने वाले हैं। अब देखो, मोदी जी ने ये भी कहा इसी के साथ ही कि हम जो लैंड डिग्रेड हो रहा है, या बोल सकते हो कि लैंड की क्वालिटी जो खराब हो रही है, इसको ठीक करेंगे, और इसी के साथ ही हम प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आएंगे। और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब ये है कि वर्ल्ड की जो सदर्न एमएसपी, या बोल सकते हो कि साउथर्न कंट्रीज हैं, जिसमें एशिया के साउथर्न हिस्सा आ गया, इवन हम बात करें अफ्रीका की जो साउथर्न कंट्रीज आ गई, वो मतलब साउथ साउथ वाली कंट्रीज हैं, वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, चाहे बात क्लाइमेट चेंज की हो तो उस पे, चाहे बायोडाइवर्सिटी की हो, चाहे लैंड डिग्रेडेशन की हो, इनके ऊपर फोकस है वो करने वाले हैं। देखो, वर्ल्ड का जो मैक्सिमम डेजर्ट वाला, या आप बोल सकते हो कि लैंड खराब लैंड है, वो मेनली साउथ वाले हिस्से में ही है। सबसे ज्यादा बात करें तो अफ्रीका में है, और फिर एशिया के साउथर्न हिस्से, इवन उसमें इंडिया भी आता है, कुछ आसियान के कंट्रीज भी आते हैं, इन वाले एरियो में लैंड की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए इस एरिया पे UNCCD का ज्यादा फोकस है वो रहता है। और यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, इसने तो सहारा डेजर्ट में उसको मतलब हरा भरा करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, जो काफी अच्छा रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं। इसी के साथ ही इंडिया ने कहा है कि भाई हम ग्लोबल जो टेक्निकल सपोर्ट है डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए, वो हम हमारी तरफ से लेके आएंगे। इसी के साथ ही हम कैपेसिटी बिल्डिंग और भी सपोर्टिव प्रोग्राम लेके आएंगे, ताकि जो लैंड डिग्रेड हो रहा है इसको खत्म किया जा सके, मतलब लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को रोका जा सके, और जो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको वापस से रिकवर है वो किया जा सके। इसी के साथ ही मल्टीपल एप्लीकेशन से जैसे लैंड लैंड जो रिस्टोरेशन है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होगा? जो जमीन खराब हो गई है, जो लैंड खराब हो चुका है, बंजर हो चुका है, उसको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। इसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी या रिमोट सेंसिंग है, सेटेलाइट है, इनकी हेल्प से लेके मतलब डाटा चेक किया जाएगा, और फिर उधर स्टेप पर वो उठाए जाएंगे। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे बार बार, लैंड डिग्रेडेशन या लैंड डेजर्टिफिकेशन। देखो, लैंड डेजर्टिफिकेशन का मतलब साफ साफ हो रहा है, लैंड है, जमीन है, वो डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थल में कन्वर्ट होती जा रही है, उसको बोल दिया लैंड डेजर्टिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यह है कि भाई वो जमीन है उसकी क्वालिटी पहले बहुत अच्छी थी, अब वो धीरे धीरे मतलब खराब होती जा रही है। जैसे मान लो कि कोई एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे पहले 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल राइस होता था, और अब इस एरिया में सिर्फ 100 की बजाय 10 क्विंटल राइस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लैंड की क्वालिटी गिर गई है, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि लैंड की जो क्वालिटी थी, सॉइल फर्टिलिटी, सारी चीजें कम हो गई हैं, उसको बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। और एक टाइम बाद क्या होगा, इस एरिया में सारी जमीन बंजर हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा, तो उसको कंडीशन को कह देंगे कि भाई ये सारी जमीन है ये बंजर हो गई है, यानी कि लैंड डेजर्टिफिकेशन हो चुका है यहाँ पे। अब बात ऐसी है कि डेजर्टिफिकेशन है वो एक प्रोसेस है लैंड डिग्रेडेशन की। जब लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लैंड को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचती है, तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मेनली जो ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है उन एरिया में प्रॉब्लम कॉमनली ज़्यादा होती है। एक तो वहाँ पे पानी के वजह से स्टोरेज हैं, वाटर बॉडीज बहुत कम होती हैं, इसी के साथ ही बाद में वहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, वेजिटेशन, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब देखो, इसके रीजन बहुत सारे हैं, लैंड डेजर्टिफिकेशन या हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन। रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, वो है क्लाइमेट चेंज। देखो, क्लाइमेट चेंज है, इसमें इंसान का या ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ ही इंसान है वो, या ह्यूमन है वो, लैंड को एक्सप्लोइट करते हैं, मतलब कि ओवर एक्सप्लोटेशन की प्रॉब्लम आती है। एक ही जमीन है उसमें बहुत भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर डाल लेते हैं, और फिर वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वो ओवर एक्सप्लोटेशन हो जाता है सोयल का,
जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक अनुमान की एक स्टडी के मुताबिक 33% जो ग्रीन हाउस गैसों का अमिशन है वो लैंड डिग्रेडेशन के एरिया से उत्पन्न है वो होता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही लगभग 50% जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर अर्थ की, वो क्लाइमेट चेंज और जो नेचुरल आज के टाइम पे डिजास्टर आ रहे हैं इनसे प्रभावित हो रही है, जबकि उनमें उनका डायरेक्टली कुछ लोगों का योगदान भी नहीं है, और मेनली जो आइलैंड वाली कंट्रीज हैं उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसीलिए आपको पता होगा इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल है वो चेंज किया, क्योंकि उसका जो आइलैंड है वो काफ़ी प्रॉब्लम में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है टाइफून फेक्सई को लेके। देखो टाइफून मेनली आप ये बोल सकते हो कि साइक्लोन या चक्रवात का ही एक टाइप होता है, जैसे कि इंडिया में साइक्लोन को चक्रवात के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से जो बात हम करें जैसे कि आपके सामने यहाँ पे जापान हो गया, या फिर हम बात करें और जैसे एरिया की बात करें तो साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इन वाले एरिया में जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून के नाम से जानते हैं। तो अभी वहाँ पे एक चक्रवात आया जिसका नाम था फेक्सई, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टाइफून कहाँ से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए कि टाइफून भाई वहाँ पे आता है, कौन से एरिया में आता है आपको पता होना चाहिए। मेनली नॉर्दर्न एमएसपीआर में आता है, और कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन में, यानी कि जापान वाले हिस्से की तरफ। अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं जो टाइफून साइक्लोन के बारे में। देखो टाइफून साइक्लोन है, पहली बात तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है जो कि मेनली 100 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में डेवलप होता है नॉर्दर्न एमएसपीआर में, ठीक है। और जो ये रीजन है वो आ जाता है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन में, और ये सबसे एक्टिव एरिया है ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली अर्थ पे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन वाला एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो आते हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। जो यहाँ पे फेक्सई जो यहाँ पे साइक्लोन चक्रवात आया टाइफून, इसकी स्पीड थी हवा की वो थी लगभग 260 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो आप देख सकते हो कि कितना भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला होगा। देखो अगर हम बात करें टाइफून की, तो एक पर्टिकुलर कोई फिक्स एरिया नहीं है कि सिर्फ जापान में ही आता है, मतलब इस वाले बेल्ट में पूरे में आता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन में भी ये मेनली है वो यहाँ पे देखने को कई बार मिल जाता है। अब आगे हम और देखते हैं आगे फैक्ट। देखो बात यह है कि जो टाइफून साइक्लोन है ये मेनली जून से लेके नवंबर के बीच में काफ़ी रैपिडली आते हैं, मतलब कि जून से लेके नवंबर के बीच में इनकी स्पीड या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, और बहुत तूफानी या बहुत खतरनाक लेवल पे आते हैं। जबकि दिसंबर से लेके मई वाला जो टाइम पे है, इस पीरियड में रेयर ऑफ रेयरेस्ट या लिमिटेड ही आते हैं, और बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं। तो यूपीएससी भी पूछ सकते हैं कि इनका पीक टाइम कौन सा होता है, तो वो होता है जून से लेके नवंबर में। इसी के साथ ही जो टाइफून साइक्लोन है इसकी फॉर्मेशन की कंडीशन कौन सी है, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो कंडीशन हमें याद रहनी चाहिए सारी की सारी। पहली कंडीशन तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या होता है कि भाई जो पानी का टेम्परेचर है वो अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब पर्याप्त आप बोल सकते हो कि सरफेस टेम्परेचर है वो होना चाहिए ताकि साइक्लोन बन सके। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब उसमें एक साइड वैक्यूम हो, एक साइड बहुत ज़्यादा हवा हो, इस तरीके से अनबैलेंस होना चाहिए। इसी के साथ ही हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि जो हमारा क्षोभ मंडल है वहाँ पे आर्द्रता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ह्यूमिडिटी, ताकि वो बारिश का फॉर्म है वो भी ले सके, और बहुत तेज़ी से रैपिडली बारिश भी हो। इसी के साथ ही कुछ एरिया में लो एयर प्रेशर सेंटर भी होने चाहिए। देखो लो एयर प्रेशर सेंटर का मतलब क्या होगा, वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम है, और एक साइड होगा हाई प्रेशर, तो आपको पता है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, तो तभी तो ये तेज़ी से आएगा ना। एक साइड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, एक साइड बहुत कम प्रेशर होगा, तो बहुत तेज़ी से साइक्लोन या टाइफून है वो आएंगे, तो यहाँ पे नुकसान है वो होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोरेलिस फोर्स। बेसिकली ये ध्यान रखना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो। पहली चीज़ तो ये है कि जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर है वो यहाँ पे एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 25 से 27 डिग्री के आसपास परफेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर क्रिएट हो सके। इसके बाद में दूसरी कंडीशन याद रखना कोरेलिस फोर्स। कोरेलिस फोर्स नहीं होगा तो टाइफून साइक्लोन या कोई भी आप बोल सकते हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आ पाएगा। ये दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही एटमोसफेयर इंस्टेबिलिटी हो गया, लो एयर प्रेशर सेंटर हो गया, ये भी हो गया, और हम बात करें लो वर्टिकल विंड शेयर है ये भी एक रीजन हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें दो हैं, सॉरी एक तो यहाँ पे ये ध्यान रखना
कि पानी का टेम्परेचर सरफेस का, वो एक यहाँ पे ध्यान रखना कोरेलिस फोर्स। आपको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं आते, यानी कि जो आपको पता होगा एक तरीके से जो विषुवत रेखीय बेल्ट है, इक्वेटर वाला बेल्ट है, उसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पे कोरेलिस फोर्स है उसका इफेक्ट जीरो होता है, कोई काम नहीं करता, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन बन ही नहीं पाते। तो ये एक मेजर रीजन है वो होता है, ये आपको इफेक्ट ध्यान में रखने हैं, टाइफून साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नीलगिरी तहर को लेके। देखो नीलगिरी तहर है ये एक इंडेमिक स्पीसीज है जो कि साउथर्न इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में पाई जाती है, और उसमें भी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुकुटकी नेशनल पार्क। जो मुकुटकी नेशनल पार्क है ये मेनली नीलगिरी तहर को कंजर्व करने के लिए ही बनाया गया था, इसका मेन फोकस है वो नीलगिरी तहर पे रहता है। नीलगिरी तहर वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक बकरी या मतलब गोट की ही एक प्रजाति है वो होती है, एक तरीके से आप हिरण भी बोल सकते हो मे बी से। यानी कि मुकुटकी नेशनल पार्क की की स्टोन स्पीसीज कौन सी है, नीलगिरी तहर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वर्ड आया की स्टोन स्पीसीज का मतलब ये होती है कि उस एरिया की मैन चाबी है, मतलब वहाँ की मैन इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है, तो यहाँ की मैन स्पीसीज है वो कौन सी है, मुकुटकी नेशनल पार्क की नीलगिरी तहर। और ये एरिया कंटेक्स्ट ये था कि अभी तमिलनाडु में नीलगिरी तहर की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 3 साल में 27% इंक्रीज हो गई है। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने वहाँ काफ़ी सारे स्टेप उठाए, एक तो बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह थे उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया, और वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट था इसको अच्छे तरह से फोकस किया गया, और इनकी ग्रोथ थी आप ये बोल सकते हो कि इनका जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिस्टम था इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स या ओनली आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इस नाम से आप कंफ्यूज मत होना कि नीलगिरी आइबेक्स या जस्ट आइबेक्स नाम आ जाए तो क्या है वो। देखो IUCN में इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा दी गई है, इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है वो किया गया है। और अगर हम बात करें तो इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है, अगर कोई भी इसको मारता है इसका शिकार करता है तो उसको बहुत बड़ी सजा है वो और फाइन देना पड़ता है। इसी के साथ ही अगर और हम बात करें कि इसका जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्रीज हो रही थी पहले, उसका रीज़न ये था कि एक तो इसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसके साथ ही जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वो ख़त्म होता जा रहा था, ग्रास घास के मैदान है वो ख़त्म हो रहे थे, और ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी इनकी संख्या में कमी है वो आई थी। तो ये कुछ रीजंस थे जो हमने यहाँ पे देखे। और जो मुकुटकी नेशनल पार्क है ये आपको पता होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है, तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि भाई साहब जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का पार्ट का मुकुटकी नेशनल पार्क, जो कि मेनली कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।